वेलकम आपका सबका हिलडोरा में बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। और हम आज यहाँ पे गार्डन में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही हमारे बुजुर्ग लोग मामा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे साथ मामा जी हमारे बैठे हुए हैं गार्डन के, बहुत ही बुजुर्ग हैं हमारे। तो वो आपको इस पूरे, देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू है और यहाँ पर ये बच्चे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पे। ओहो बुजुर्ग नहीं है ये, तो जवान है, ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ बर्तन भी मांझ रहे हैं हमारे साथ ये बच्चे। हाँ और ये मामा जी हैं। तो मामा जी आपका क्या नाम है? प्रेमलाल। हाँ तो मामा जी आप बता दीजिए कि ये गार्डन के बारे में कुछ बता दीजिए, अपनी पुरानी जो भी है कि कैसे गार्डन बना, क्या यहाँ पे क्या था, हिस्ट्री थोड़ी बता दीजिए। हमारा गार्डन तो ठीक है। हाँ जी जी बहुत अच्छा है, आज तक जो भी सिस्टम हमारा है ठीक है। आपका भाईचारा कैसा है यहाँ पे, जो भी लोग हैं दूसरे, जैसे कौन से धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं आपके गार्डन में? सब भी अच्छे हैं। कौन कौन से धर्म के रहते हैं यहाँ पे, कितने धर्मों के लोग रहते हैं? नहीं भगत यहाँ तो है ही नहीं कोई, गार्डन में कोई तो बाकी तो है। और आपका कैसा भाईचारा है यहाँ पे, जैसे एक दूसरे का क्या भाईचारा, शादियों में आप क्या करते हो, क्या फंक्शन वगैरह, भाईचारा कैसा चलता है यहाँ पे? बहुत अच्छा चलता है जी, ठीक ठाक जी, आज तक कोई भी मतलब गलत काम यहाँ पे नहीं हुआ। कोई बाहर के बंदा भी आ गया गलत काम नहीं कर सकता है, वो बाहर का भी निकाल सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गार्डन के बारे में बताया, मगर आपने हिस्ट्री का कुछ नहीं बताया कि गार्डन कैसे बना, क्या है हम मतलब कि हमारा क्या है यहाँ का, जो एक रुतबा होता है कि हम यहाँ के हैं, आपका क्या सरनेम है, मतलब जिमरी आप बताइए कि मतलब कि यहाँ पे क्या, कौन सी कास्ट वगैरह का ज्यादा यहाँ पे दबदबा है यहाँ पे आपके गार्डन में? तो बंदराल। अच्छा सब कुछ हमारा ही है जी जी, जो बाहर के आए हैं वो कम है, कम है, दो चार पाँच सात इनसे मिनटों ले लीजिए पीछे खड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गार्डन के बारे में बोला तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मामा जी, दिल से धन्यवाद आपका। हम आपको मिलाएंगे गार्डन के एक निवासी से और यहाँ पे देखिए कितने लोग उनको देखने के लिए आए हैं, उनके दर्शक यहाँ पर, और वो अगली सीट के लिए यहाँ का गार्डन की सीट के लिए मेंबर के लिए उठ रहे हैं वो, और उनके लिए वो कुछ बातें बोलेंगे कि वो क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो हम उनसे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उनसे मिलाते हैं आपको। तो ये है ज्योति जी, तो ज्योति जी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं, अपना नाम वगैरह, किसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, अपना नाम वगैरह बताइए आप। पूछेंगे लेकिन किसके बारे में पूछ रहे हो? नाम बताऊंगा मैं नाम बताऊंगा लेकिन किसके बारे में पूछ रहे हो? आप बता दीजिए कि सर क्या है आपको गार्डन के बारे में बताइए आप, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम वगैरह। हमारा नाम है ज्योति सिंह स्नाप शादीलाल, निवासी गार्डन के रहने वाले। थोड़ा जोर से बोलिए सर। निवासी, हमारे पास माया की कमी है, हम गरीब लोग हैं। बात नहीं, ज्योति सिंह स्नाप शादीलाल, तो बात ऐसी हम यहाँ निवासी, यहाँ रहने के वाले, यहाँ के रहने वाले हैं, जो ये पब्लिक की आवाम जी जी जनता, हाँ हम आपकी पब्लिक देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितने लोग आपको देखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत ये जनता जो आवाम आप दिखाई दे रहे हैं, जितने पब्लिक यहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारे कोई परिवार नहीं है, कोई हमारे माँ बाप भाई बजाय चारे के लोग हैं, आगे पीछे के लोग हैं। इस वक्त हमारे घर में मेरे छोटे भाई की, तो इसलिए हम बरात के साथ गए थे, वहाँ से वापसी हैं, यहाँ आए हैं, घर में सही सलाम पहुँचे, खाना पीना खाया, रोटी छोटी खाई है, इसलिए हम आवाम बैठे हुए हैं, पूरे आवाम, पूरी बरादरी, पूरी जनता इस वक्त एक मुद्दे पर खड़े हुए हैं, एक घर में परिवार में खड़े हैं। तो इसलिए आप पूछ रहे हो कि आपने सोचा आप अपने कहाँ के रहने वाले, मैं आपको अभी ये सवाल जवाब पूछा नहीं कि आप क्यों वीडियो बना रहे, कहाँ के बना रहे, क्यों, कौन आप में जान, मैं गार्डन के बारे में जानना चाहता हूँ सर, कि हम आपको हिलडोरा से आए, हमारा यूट्यूब चैनल है हिलडोरा। यस सर। तो अभी हमारे तीन चार चैनल चल रहे हैं वहाँ पे, हमारे देखिए ग्रुप के मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे हैं, दो चार और हैं, तो वो मेरे साथ बहुत काम कर रहे हैं इस चैनल के लिए, और चैनल हमारा आपकी दया से मोनेटाइज भी हो गया है और हमारा वर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वही आपको इंट्रोडक्शन हम आपको ले रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन, और साथ ही आप ये भी बताइए कि गार्डन के बारे में बताइए, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए, क्या यहाँ बनता है, क्या स्पेशल चीज है वो बताइए। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे जो शादी है, जग विवाह, कोई भी चीज होती है, कोरोना के बारे में हम लोग डरते थे, 10 या 20 25 22 25 आप मुद्दे से हट रहे हो सर,
कहीं आप गार्डन के बारे में बताइए, गार्डन के बारे में हम अपने गांव के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि आवाम कटे जनता के नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं बोलता कि हमारे भाई की शादी थी, शादी में आवाम पूरी जनता इकट्ठी हुई है। आप ये बताइए कि यहाँ पे स्पेशल चीज क्या है आपके गार्डन? यहाँ हमारे में एक मक्खी बनती है, मक्खी जो बनती है वो अच्छी बनती है, और ये जो बांदर शानदर जो लोग ये काट कूट कवे शवे जो है ये तोते वगैरह पैरोट वगैरह ये नुकसान करते हैं, इसलिए जो बाकी हमारा धान फसल ये भी बनती है। हिस्ट्री क्या है सर, हिस्ट्री बताइए आप, अच्छी है गार्डन की थोड़ी हिस्ट्री बताइए, इतिहास बताइए। हम ये लोग है कि हमारा जो है हम 6 महीने के यहाँ फसल के बारे में 6 महीने हम कमाई करते हैं और 6 महीने हम नींद करते हैं। हिस्ट्री बताइए, हिस्ट्री बातें पूछो गार्डन में कि क्या इतिहास रहा है, कि हम मक्के लगाते हैं। स्वागत है आप सबका हिलडोडा में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार और प्यार मिला आपका तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप हमारी वीडियो देखते हैं और इतना प्यार देते हो आप वीडियो पे, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलते हैं हमें, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताओ जी आप गार्डन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। हम गार्डन के रहने वाले निवासी यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ हमें पता नहीं दादे परदादे लगा दादे का कोई मालूम नहीं है कि कैसे हम गार्डन के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि तो हम ऐसे ही नाम पड़ गए गार्डन, गार्डन के बारे में हम ये बोलते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें मालूम नहीं ये कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, कोई कहाँ से बसा हुआ है, कैसे चल रहा है, तो नाम गार्डन पड़ गया। तो बाकी हम अपने परिवार की बात भाषा बोलेंगे कि अपने कुटुंब परिवार का वो बताएंगे, बाकी यहाँ जाति बहुत है, कोई भगत है, कोई बंदराल है, कोई सौंपड़ी है, कोई राजपूत है, कोई चीबे, कोई किस हिसाब से अपने जान जाता है। तो आगे हम गार्डन जो है गार्डन के बारे में नहीं, अब आपने थोड़े भाईचारे के बारे में बताइए। भाईचारा हमारा ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, शादी होती है, जग ब्याह होता है, मरना होता है, जीना होता है, पूरी बरादरी पूरी जनता हमारी इकट्ठी जाती है, तो जो भी कोई काम होता है, कोई घर मकान बनाना होता है तो उसमें मदद हेल्प पैसा देना। हाँ ये घर देख रहे हैं आपके, देखो गाँव आपका बहुत ही खूबसूरत है, और आपके दर्शक भी देख रहे हैं, देखो ये आपके सपोर्टर यहाँ पे बहुत लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे अपने बारे में, ये देखिए आपके सपोर्टर, देखिए और हमारे लगते हैं, ये देखिए यहाँ पे सपोर्टर भी आए हुए हैं यहाँ पे आपके। तो ये मैं प्राणी में आदमी हूँ, हमारे जो भांजा है ये हमारे मतलब बहन के लड़के हैं, भांजा हमारे, तो इनको ये पढ़े लिखे आदमी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इतनी बातें जो उर्दू में समझ नहीं आती हैं, आप क्या पूछ रहे हैं। पढ़े पढ़े लिखे की बात नहीं होती सर, आपको बहुत नॉलेज है हमसे ज्यादा, पढ़े लिखे और ना पढ़े की कोई बात नहीं होती इसमें, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है, नॉलेज पतो छो तैंक तू पतो ज्यादा, आपको ज्यादा पता है, हमें नहीं पता, वो बात तभी हम आपको पूछ रहे हैं। सहमत है, बिल्कुल सहमत, हमारी गार्डन के बारे में ना कोई किताब लिखी है ना आगे कोई लिखेगा, लिख भी सकता कोई बात नहीं हो ठीक है, मगर ये कि हमें नहीं उतना नॉलेज, आपको नॉलेज तभी आपसे हम नॉलेज ले रहे हैं। पूछिए जी, और आपके सपोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे देखिए कितने सपोर्टर हैं आपके, मेरे पीछे भी हैं बहुत सारे, मेरे पीछे तो ये लड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ गिर जाएंगे पीछे ही नहीं रह सकते, सराजी में लड़ा बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में सर बेहतर में थक गया बुरा, कैसे क्या चीज की एक्टिविटी कैसे की जाती है यहाँ पे गांव में, मैंने यहाँ बताइए गांव के लोग कैसे एक्टिविटी करते हैं, डांस कैसे करते हैं गांव के लोग हाँ गांव के लोग तो कैसे नाचते हैं ऐसे शादियों में, और जो अगर पैग पैग लगाओ तो पैग लगाओगा तो हाँ देखेंगे नीचे के लिए ऐसे करेंगे बाजू को, और शहर के लोग और शहर के लोग टली होके कैसे नाचते हैं, शेर के भांगड़ा पाते हैं देखो ऐसे ऐसे करके भांगड़ा, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, अब बिना टली होके टली होके हाँ टली होके सिंपल भी ऐसे नाचते हैं, फिलहाल है सिंपल।